नाहन में इंटर के बैनर तले आशा वर्कर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आशा वर्कर्स से जुड़ी समस्याओं पर मंथन किया गया। इस मौके पर आशा वर्कर के विभिन्न मांगों को केंद्र व प्रदेश सरकार के समक्ष रखने की भी बात कही गई। वहीं सरकार से आशा वर्करों का वेतन 18,000 रुपए करने की मांग की गई। नाहन में आशा वर्कर्स यूनियन नाहन का एक सम्मेलन इंटक के बैनर तले आयोजित हुआ। सम्मेलन में पहुंची आशा वर्कर्स ने बताया कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर योजना को वे लोगों तक पहुंचा रही है, बावजूद इसके उन्हें मात्र 1500 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो कि बेहद कम है। आशा वर्कर्स ने सरकार से वेतन में वृद्धि करने की मांग उठाई है। पूरा काम करते हैं जो भी हमें दिया जाता है, मतलब फील्ड में, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें इंसेंटिव नहीं दिया जाता, और जो इंसेंटिव हमारा हमें दिया जाता है वो भी काट के दिया जाता है, ना कहीं मेंशन होता है वो कि भाई किस चीज़ का काटा है या किस चीज़ का नहीं है। हम हर काम करते सर, कोई भी सर्वे होता है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी सर्वे होता है, चाहे SEF का हो गया, चाहे डेंगू का हो गया, मतलब किसी भी तरह का जो भी सर्वे होता है वो सब होता है, डिलीवरीज का होता है हमारा, और टीकाकरण का होता है, मतलब हर काम है जो भी, मतलब कि स्वास्थ्य विभाग के तहत चला हुआ है हमारा NRHM के तहत, वो उसमें जितना भी काम है वो सब काम हम लोग करते हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल पे। अभी हमें सर 1500 रुपये हुए हैं अभी हमारे, जो मंथली इन्होंने मानदेय हमारा फिक्स किया है सरकार ने, लेकिन उससे उसके मानदेय बढ़ाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिलीवरी का जनरल डिलीवरी का पैसा था वो काट दिया गया है, और प्राइवेट डिलीवरी का जो हमें पैसा मिलता था वो भी काट दिया गया है। जैसे जैसे सरकारों की जितनी भी स्कीम आती है वो हम गाँव तक, घर घर तक आशाएँ पहुँचाती है। जो स्वास्थ्य दर है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, उसमें हमने जन्म दर में बहुत बढ़ोतरी की है, मृत्यु दर जो है वो भी हमने सही बैलेंस से बनाया है, जनसंख्या के आधार पर भी। जो भी सरकार की स्कीम है, जो हम सरकार आशाएं घर घर जाके लोगों को मोटिवेट करती है और एक फैमिली की तरह उनके साथ बिहेव करती है, लोग हमें कॉपरेट करते हैं। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जो हम आशाएं इस समय कई परेशानियों से जूझ रही है, हमारी बहन ने बता दिया है, जो हमारी सैलरी है उसको फिक्स किया जाए, 18,000 मैक्सिमम हमारी सैलरी 18,000 हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इंटक के जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि आशा वर्कर्स से जुड़ी समस्याओं को प्रदेश व केंद्र सरकार के सामने उठाया जाएगा और मांग की जाएगी कि प्राथमिकता के आधार पर आशा वर्कर्स का वेतन इनकी मांग अनुसार 18,000 किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में आशा वर्कर्स को जो वेतन दिया जा रहा है वो बेहद कम है, और साथ ही वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे इनको इंसेंटिव ना मिलना और सैलरी समय पर ना मिलना, और कई मुद्दे जो है ना इन्होंने उठाए हैं, और ये जो लेके हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, टोटल इनकी जो भी समस्याएं हैं ये टोटल आशा वर्करों ने इन्होंने बताया अपने बारे में, जहाँ तक इनकी जैसे डिलीवरी के पैसे काट दिए इनके, और ये जो भी पहले इंसेंटिव था इनको मिलता था 850 रुपये, और सरकार ने 2000 रुपये किया, इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो इन्होंने इंसेंटिव काटे हैं उसके लिए आशाओं में काफ़ी जो है रोष है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।